A very good evening and welcome to my YouTube channel. So, I hope मेरा introduction देने की कोई ज़रूरत नहीं है, but still for the new people, this is Naina. And yesterday we have done with the session one, day one of our weekend workshop. So, basically कल हम लोग ने सीखा था एक butterfly decor, LED decor and hanging ballerina art. सो गाइज, हम लोग को कल का जो था रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था. लाइक किड्स हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल. लाइक एज के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है. एंड सो आई हैव डिसाइडेड कि हम लोग डे वन में से दो प्राइजेस निकालेंगे एंड डे टू में से दो प्राइजेस निकालेंगे. सो गाइज, डोंट मिस दिस चांस टू विन. एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. सो बेस्ट लक फॉर टूडेज कॉम्पिटिशन. एंड या टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अ मिनिएचर फिंगर पेंटिंग. ये क्या होता है? लाइक वी आर देर इज़ नो यूज़ ऑफ ब्रश एट ऑल. हम लोग ब्रश बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे और फिंगर टिप्स की हेल्प से ये पेंटिंग बनाएंगे. दिस इज़ बेसिकली ऑफ एक्रिलिक एक्रिलिक पेंट्स जो कि हम कैनवास पे यूज़ करेंगे. सो आई विल शो यू जो हम लोग बनाने वाले हैं. एंड या डू इट वेल, नीटली करना और अच्छे से परफॉर्म कीजिए सो दैट वी कैन टेक आउट द वेरी नाइस आउटपुट. सो बेस्ट लक एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. जस्ट लेट मी एडजस्ट माई कैमरा वंस. सो फ्रेंड्स, सी हम लोग का जो मटेरियल था, एक बार मैं आपको शॉर्ट लिस्ट में बता देती हूँ. लाइक हम लोग को लगेंगे एक्रीलिक पेंट्स. लाइक आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हो. ये मेरे फेविक्रिल एक्रीलिक कलर्स है एंड दिस इज़ माई कैनवास बोर्ड. मेरे पास कैनवास शीट था, उसको मैंने कार्डबोर्ड पे लगाया है. आप लोग अगर कैनवास नहीं है तो ड्राइंग शीट भी यूज़ कर सकते हो. एंड दोज आर माई पॉप्सिकल स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स. एंड दिस इज पैलेट. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम लोग ये बहुत ही अमेजिंग सा एक पेंटिंग बनाने वाले हैं, विच इज़ अ लैंडस्केप पेंटिंग. एंड ये पॉप्सिकल स्टिक का हम लोग एक स्टैंड बनाएंगे, होल्डर बनाएंगे, ताकि आप इसको कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से. सो लेट स्टार्ट नाउ. सबसे पहले हम लोग पैलेट में लेंगे ब्लैक कलर. मैंने ब्लैक कलर लिया है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक ब्लू कलर. सबसे पहले हमने ब्लैक लिया, देन सेकेंडली वी टुक ब्लू कलर और अभी व्हाइट लेंगे हम लोग. जा
and lastly we will take out green color. So hello everyone and just give me a thumbs up यहाँ तक अगर आप कर चुके हो तो. As we are going to start with our painting now. और ये जो हमारा disposable bowl है इसमें हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे. सो फ्रेंड्स नाउ मैंने ये जो कैनवास बोर्ड था मेरा ये होल्ड कर लिया है एक हाथ में. एंड नाउ आई विल टेक अ ब्लैक कलर. आप लोग जिस भी फिंगर के साथ कंफर्टेबल हो वो फिंगर यूज कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर. जस्ट फिंगर से इसमें थोड़ा पानी ऐड किया. एंड नाउ I'm going to spread this on the upper portion. स्प्रेड इट प्रॉपरली अच्छी तरह से इसको कैनवास बोर्ड पे स्प्रेड करना है. ब्लैक कलर लिया हमने. नाउ जस्ट वॉश योर हैंड और क्लीन योर हैंड विद द रफ क्लॉथ. नाउ आई विल टेक ब्लू कलर. मैं इसको ब्लैक के साथ मर्ज कर दूंगी ताकि ये दो तीन लेयर ना दिखे. अच्छी तरह से कलर को मर्ज कर लीजिए. सी अच्छी तरह ब्लैक एंड ब्लू मिक्स हो चुका है. मैं थोड़ा वाइट को लाइक ये करूँगी. इट इज़ अ बिट थिकर. नाउ टेक अ वाइट कलर एंड उसको ब्लू के साथ हम लोग मिक्स करेंगे. आई होप किड्स आर एंजॉइंग एज उन लोग को चांस मिला है कलर के साथ खेलने के लिए. एंड इवन आई डू लाइक दिस मेसी हैंड्स. जस्ट मिक्स इट प्रॉपरली. गो स्टेप बाय स्टेप. पहले हमने ब्लैक कलर लिया देन उसको अच्छी तरह से स्प्रेड किया. देन वी हैव यूज्ड ब्लू कलर डार्क ब्लू. उसके बाद हमने वाइट उसमें मिक्स किया.
नाउ आई एम गोइंग टू टेक ब्लू अगेन और ये वाइट में मैं थोड़ा मर्ज करूँगी. एंड अगेन आई विल टेक वाइट और इसको यहाँ पे एंड में मिक्स करूँगी. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज व्हाइट कलर को ले लीजिए ऑन योर फिंगर टिप्स और इसको हम यहाँ पे थोड़ा स्काई का लुक देंगे. यू जस्ट नीड टू गिव द स्पॉट्स, ये कुछ मार्किंग्स दीजिए यहाँ पे फिंगर टिप के एंड देन क्लीन योर फिंगर और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए. गाइस जस्ट देख लो एक बार मैं क्या कर रही हूँ, सो यू कैन फॉलो मी लेटर ऑन. अगेन मैंने वाइट लिया है और थोड़े फिंगर टिप से वाइट स्पॉट्स दिए हैं. दिस इज गोइंग टू गिव यू अ स्काई लुक, क्लाउड्स लुक, सॉरी. यहाँ पे क्लाउड्स थोड़ा लुक आ जाएगा क्लाउड्स का. फ्रेंड्स आपको पहले बेस में ब्लू कलर करना है एंड देन बेसिकली आपको वाइट के इसमें स्पॉट्स देने हैं. देन क्लीन योर फिंगर्स एंड उसको जस्ट यहाँ नीचे से स्प्रेड कीजिए कुछ इस तरह से. आई होप यू आर फॉलोइंग मी. नाउ आवर स्काई इज डन. अब हम लोग नीचे का रिवर या सी लुक बनाएंगे. यहाँ हम लोग डार्क ब्लू, अगेन वी आर गोइंग टू पेंट ब्लू. गाइज ये फिंगर टिप्स यूज़ करके आप लोग थाउजेंड्स ऑफ पेंटिंग बना सकते हो. बस इसका टेक्निक है लाइक आपको किस तरह से आपका फिंगर टिप यूज़ करना है. जस्ट गिव अ ब्लू कलर प्रॉपरली. गाइस हो सकता है ये आपका फर्स्ट टाइम है,
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट डोंट वरी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. नेक्स्ट टाइम आपका श्योरली और अच्छा बनेगा. जस्ट डोंट गिव अप. मैंने ब्लू के बाद अगेन व्हाइट ऐड किया है. थोड़ा ब्लू हम लोग अगेन डार्कर करेंगे यहाँ पे. फ्रेंड्स, आप लोग कुछ भी क्वेरी हो तो मैसेज में डाल सकते हो, आई विल हेल्प यू. नाउ अगेन वी आर गोइंग टू टेक वाइट कलर एंड सी. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी मैं वाइट को कैसे लेऊंगी. यू जस्ट नीड टू कीप वाइट कलर ऑन दिस टिप्स, दिस साइड, कुछ इस तरह से. एंड ये बोर्ड को मैंने ऐसे होल्ड किया, कैनवास बोर्ड को, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू लाइक पुट द कलर दिस वे. ऑलमोस्ट द सेम टेक्निक जैसे हमने स्काई बनाया था. जस्ट फॉलो द सेम प्रोसीजर. अगेन हम लोग ने वाइट लिया एंड वी आर गोइंग टू मेक वेव्स. नाउ आई एम गोइंग टू मर्ज इट. एंड फ्रेंड्स, एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग काफ़ी टाइम सोचते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें लाइक इट इज़ अ बिट ईजी और बहुत ही लाइक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शायद नहीं हो मे बी, बट ये छोटी छोटी चीज़ों से आपका एक ट्रेजर क्रिएट होगा. यू विल बी अ वेरी गुड आर्टिस्ट और मे बी क्रिएटिव पर्सन इन फ्यूचर. सो डोंट गिव अप, कीप ऑन डूइंग सच थिंग्स. इनिशियली मैं भी लाइक सिंपल से कुछ हॉबी, एज अ हॉबी मैं कुछ पेंटिंग्स बनाती थी, आर्ट क्राफ्ट करती थी, बट गाइज नाउ आई डोंट बिलीव कि मैं काफ़ी अच्छी पेंटिंग कर लेती हूँ. आई सेल माई पेंटिंग्स ऑन अ बिग स्केल. Just don't give up and always keep on doing or learning some new things. See, मैंने ये जो water effect था वो भी same तरीके से बनाया जैसे हमने sky बनाया है. Now, a very important thing.
हम लोग वेव्स बनाएंगे, वाटर वेव्स. सो सबसे पहले आई विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ ब्लू कलर, इसको मैं यहाँ पे स्प्रेड कर दूंगी. नाउ हम लोग थोड़ा थिक वाइट कलर लेंगे. ये जो फिंगर टिप्स हैं हम लोग को उस पर वाइट कलर लेना होगा. एंड सी द टेक्निक वेव्स कैसे बनाएंगे हम लोग. इसको जस्ट ऐसे करके रोल करना है आपको फिंगर्स को. जस्ट गिव अ रोल. थिक वाइट कलर लेना है और उसको इस डायरेक्शन में टर्न करना होगा. ये मैंने ऐसे लिया और इसको टर्न किया है. एंड दैट्स रियली लुक ऑसम. आई होप यू आर गेटिंग. जस्ट फिंगर टिप पे वाइट कलर लेके इसको ऐसे रोल करना है ताकि ये वेव का इफेक्ट देगा. यू कैन सी जस्ट थोड़ा थिक लीजिए कलर को. एंड नाउ अगेन थोड़ा हम लोग ब्लू ऐड करेंगे बॉटम में, ब्लू एंड व्हाइट. या गाइज यू वोंट बिलीव कि हम लोग फिंगर की हेल्प से इतना ऑसम सा पेंटिंग बना सकते हैं विदाउट यूजिंग ब्रश. आज तक हम लोग हमेशा ब्रश यूज करते आए हैं. अच्छी तरह से मर्ज कर दीजिए इसके साथ. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग थोड़ा और व्हाइट कलर लेंगे पैलेट में. थोड़ा वाइट कलर मैं यहाँ पे लाइक आई विल ऐड इट ऑन माय नेल स्टॉप. डोंट वरी फ्रेंड्स, आप लोग आराम से वॉश कर लेना बाद में.
यहाँ पे हम लोग बर्ड्स बनाएंगे, फ्लाइंग बर्ड्स। Just add a little bit of black. फ्रेंड्स ये हम लोग ने बर्ड्स बनाए यहाँ पे दो, जस्ट नेल के टिप से। व्हाइट यूज किया एंड देन हल्का सा ब्लैक लिया हम लोग ने। नाउ एट द एंड आई विल जस्ट ऐड अ बिट ऑफ व्हाइट, एज ये अपर पार्ट जो है ड्राई हो चुका है थोड़ा। थोड़ा सा ब्लू लिया है के साथ मर्ज कर दूंगी। इंडिया फ्रेंड्स ये पेंटिंग आपको थोड़ा लाइक जब भी ड्राई होने से पहले ही इसको पेंट करना होगा, एज ये इजीली मर्ज हो जाएगा। यू कैन सी अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इज रेडी। Now what we are going to do is just give me a thumbs up if you are done. It really looks a very beautiful landscape, you can see. Now we will use our sticks, popsicle sticks. I will keep this palette aside. We will let it dry. अब हम लोग ये स्टिक्स से, स्टिक्स की हेल्प से एक स्टैंड बनाएंगे। Now, सबसे पहले हम लोग ये तीन स्टिक्स ले लेंगे और एक के ऊपर एक को पेस्ट कर देंगे। आई एम गोइंग टू यूज फेविकॉल, अगर ग्लूगन हो तो आप लोग ग्लूगन भी यूज कर सकते हो। जस्ट पेस्ट इट, एक के ऊपर एक पेस्ट करना होगा। ये तीन स्टिक्स मैंने एक के ऊपर एक पेस्ट कर दी है। लेट इट ड्राई अ लिटिल बिट नाउ। नेक्स्ट स्टेप हम लोग
ये दो स्टिक को इस तरह से प्लेस करेंगे। और ये एक और स्टिक जो है उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जस्ट लाइक आपको ए फॉर्म करना है, लेटर ए, बट इसको काफी ऊपर ना पेस्ट कीजिए, इसको थोड़ा नीचे की तरफ रखिए। यहाँ पे थोड़ा फेविकॉल अप्लाई करेंगे एंड देन पेस्ट इट हियर। स्टिक का साइज जो है हाइट चेक करके लीजिए ताकि छोटा बड़ा ना हो जाए। विल पेस्ट दिस हियर। नाउ लेट इट ड्राई। यहाँ पे ए फॉर्म करना है हम लोग को। गाइज अगर फेविकॉल यूज कर रहे हो तो इट विल टेक सम टाइम। इसको थोड़ा ड्राई होने देंगे हम लोग। एंड देन ये जो हम लोग ने तीन एक के ऊपर एक पेस्ट किए थे उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। लेट वी ड्राई दिस फर्स्ट। It may take some time, don't worry, have some patience. Now I will use glue gun. I will add the glue here. Kids, if you are using glue gun, just be careful. And we will paste it here. See? I guess आप लोग का यहाँ तक हो चुका होगा। Now what we will do is ये stick को two parts में cut कर देंगे। Take your scissor and cut it into two parts, equal parts. It should be of the same length. Length check कीजिए उसका। थोड़ा सा अगर छोटा बड़ा हो तो यू कैन कट इट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इसको बैक साइड से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम लोग। हो सकता है फेविकॉल विल टेक सम टाइम, डोंट वरी, बट स्टिक हो जाएगा। You just need to make two legs. Back side में हम लोग ने ये दो legs
स्टिक किए हैं। सी फ्रेंड्स, लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम। सबसे पहले हम लोग ने ए बनाया, देन हम लोग ने जो थ्री स्टिक्स ऐड की थी ये वो यहाँ पे पेस्ट की, एंड देन ये टू लेग्स इसके बनाए थे वो पीछे ऐड कर दिए, सो दैट ये स्टैंड आराम से होल्ड कर लेगा। नाउ इट इज़ अ लिटिल बिट वेट, सो लेट इट ड्राई। आई विल शो यू द वन दैट आई हैव मेड ऑलरेडी। सी फ्रेंड्स, यू कैन सी दिस इज टोटली ड्राइड नाउ, एंड ये पेंटिंग को हम इस पे एज अ होल्डर यूज करेंगे स्टैंड को, एंड वी विल कीप दिस पेंटिंग लाइक दिस। यू कैन सी दैट रियली लुक्स ऑसम। आई होप फ्रेंड्स यू आर डन, एंड जस्ट डोंट वरी, आई विल वेट फॉर यू टिल टू नाइट। जस्ट शेयर योर पिक्चर्स विथ योर ओन लाइक हुएवर हैव मेड दिस पेंटिंग। आप अपने साथ फोटो क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। सी दिस रियली लुक्स ऑसम। जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर डन। If any query, you can ask me. So friends, we are done with the day 2 workshop, and I hope you enjoyed the session very much. So this is our miniature finger painting, and friends, don't forget to share your picture so that we can take out 2 winning prizes. And yeah, main ek bar aur aapko bata dungi. See, this is our voucher, gift voucher for 350 cash prize. And so see you for the next live session, and coming Wednesday or Thursday main announce kar dungi aapko ki कौन हम लोग का लाइक 2 डेज का वर्कशॉप विन कर रहा है, फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। सो सी यू ऑन वेनसडे और थर्सडे ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।